hello everyone welcome to panacea tutor we are here with another session of weekly current affairs that covers your current affairs from 8th to 14th march so let's begin with our today's session my first segment covers important dates of the previous week the first date is 8th march on which international women's day has been observed and various companies various firms has given Different kind of policies for encouraging and boosting the women all over the country. Then 10th March has been observed as 53rd CISF raising day. CISF stands for Central Industrial Security Forces. It is one of the paramilitary forces of our country. And inka 53rd raising day jo hai wo celebrate kiya gaya recently on 10th March. Up 10th March given World Kidney Day bhi celebrate hota hai. Plus फर्स्ट एवर इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे हेज ऑल्सो बीन ऑब्जर्वड ऑन टेंथ मार्च सो दीज डेट्स एंड दीज डेज बिकम्स आउट राइटली इंपॉर्टेंट इलेवेंथ मार्च को एन सी आर बी का थर्टी सेवेंथ फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया एनसीआरबी स्टैंड फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बेसिकली आपके जो कंट्री में क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है और रिपोर्ट पब्लिश करता है 12 मार्च को वर्ल्ड ग्लाउकुमा डे से जाना जाता है ग्लाउकुमा की वजह से काफी सारे लोग ब्लाइंडनेस का शिकार बनते हैं चाहे वो फुल ब्लाइंडनेस हो और पार्शल ब्लाइंडनेस हो इसका थीम ऑब्जर्व किया गया इस बार वर्ल्ड इज ब्राइट सो सेव योर साइट ऑन थर्टींथ मार्च इज ऑब्जर्व एज नो स्मोकिंग डे बेसिकली ये थर्टीन्थ मार्च को नहीं एवरी वेडनेसडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व होता है सो दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड हेयर और वर्ल्ड रोड ट्रैक डे भी थर्टीन मार्च को ही ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स यस यू हर्ड इट राइट इसको पाई डे भी बोलते हैं पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट फोर्टीन मार्च तो जिन कंट्रीज में ऐसा पैटर्न फॉलो होता है मंथ एंड डेट वहां पे पाई डे सेलिब्रेट होता है प्लस इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो एंड सेकंड डे दैट इज ऑब्सर्व ऑन फोर्टी मार्च इज योर इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स तो जितने भी आपके रिवर बॉडीज हैं उनकी रिजुविनेशन के लिए और इको को प्रमोट करने के लिए रिवर बॉडीज का ये जो डे है इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स फोर्टीन मार्च को मनाया जाता है इस हफ्ते की हॉटेस्ट न्यूज हैज़ बीन इलेक्शंस दैट हैव बीन राउंड द कॉर्नर इन फाइव स्टेट्स ऑफ द कंट्री पांच स्टेट्स में इलेक्शंस हुए जो कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं ये पांच स्टेट्स पंजाब यूपी उत्तराखंड मणिपुर गोवा इन सभी में ये रिस्पेक्टिव सीट्स गिनी गई 117 सीट्स आपकी पंजाब स्टेट असेंबली में उत्तर प्रदेश में 403 दैट कंप्राइज़ ऑफ़ मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम एनी स्टेट उत्तराखंड में 70 मणिपुर में 60 गोवा में 40 अगर मैं आपको बताऊं इनके रिजल्ट्स ओवरऑल तो ये सभी बॉटम फोर मैक्सिमम सीट्स जो हैं बीजेपी हैज एंड पंजाब इज ओनली स्टेट जहां पर आपकी लहर जो है वो ऑब्जर्व हुई है आप हैज बैग नाइन्टी टू सीट्स है आई शो यू इन द कमिंग अपकमिंग स्लाइड्स की कितनी सीट्स किस पार्टी ने लिए बट बिफोर आई गो टू दैट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है जी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के उनको कंडक्ट कराने के लिए जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनमस इंडिपेंडेंट बॉडी है ये स्टेब्लिश हुई थी 1950 में ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बल्कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन सभी के इलेक्शंस जो है वो चेयर करती है इनका हेड हेडक्वार्टर्स न्यू डेली में है एट प्रेजेंट इसके एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिनका नाम है सुशील चंद्र प्लस टू अदर मेंबर्स ये या तो छह साल के लिए सर्व करते हैं या फिर सिक्सटी फाइव ऑफ एज विच एवर इज ऑलियो सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं अलग अलग स्टेट्स में तो पहले बात करते हैं गोवा की गोवा में बीजेपी को ट्वेंटी सीट्स मिली हैं उत्तराखंड में बीजेपी हैज बैग फोर्टी सेवन सीट्स विच इज दाइएस्ट हेयर मणिपुर में आउट ऑफ सिक्सटी सीट्स बीजेपी हैज बैग थर्टी टू स्टेट्स सो ऑल द्री स्टेट्स हेयर आर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स आगे बात करते हैं अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की जहां पे जहां से आपकी 403 असेंबली सीट्स जो हैं वो निकलती हैं तो वहां से बीजेपी ने 255 फिफ्टी फाइव बैक की हैं बट अगर इनको मेजोरिटी चाहिए थी तो इनको कम से कम दो सीट्स जो है वो अक्वायर करनी पड़ती जिसे करने में ये नाकामयाब रहे हैं एस सीट्स और पंजाब की बात करते हैं पंजाब में आउट राइटली देर हैज बीन अ क्लीन स्वीप बाय आम आदमी पार्टी द नेशनल गवर्नर अरविंद केजरीवाल हैज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू भगवंत मान हु इज द प्रोमिनंट सीएम कैंडिडेट फ्रॉम पंजाब स्टेट सिक्सटींथ मार्च को उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी है सो लेट्स होप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर फॉर पंजाब हेयर नाइनटी टू एंड सो आप so आगे चलते हैं, एक नया सुपर कंप्यूटर जो है वो आई आई टी में स्टैब्लिश किया गया है जिसका नाम है परम गंगा परम गंगा दिस पिक्चर यू कैन सी हेयर इट इज़ अ सुपर कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड 1.66 पॉइंट पीटा फ्लॉप्स है यस yes, ये कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में इंस्टॉल किया गया है और इसका काम बेसिकली जिन ऑर्गेनाइजेशंस को या जिन मल्टी नेशनल कंपनीज को बेसिक मैसिव कंप्यूटिंग सर्विसेज की ज़रूरत होती है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8000। थाउजेंड अगर आज की डेट में मैं वर्ल्ड में बात करूं तो मैक्सिमम सुपर कम्प्यूटर जो है वो आपके चाइना से आते हैं ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप मेड इन इंडिया डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने वाला कंप्यूटर है जो हमारे कंट्री में बनाया गया है नेक्स्ट सेगमेंट कवर्स बिहार में बुद्धा का स्टैचू अ स्लीपिंग स्टैचू हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन बोध गया इन बिहार वाई ओनली बोध गया बोध गया इज अ प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट बुद्धा इज बेसिकली योर फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं मेरे एडजस्टेंट ये बिहार में दिस इज अ स्टैचू दैट इज बींग बिल्ट इस ये 100 फीट लॉन्ग और 30 फीट हाई स्टैचू है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन जो है इस आइडल को बनाने में मदद कर रही है और स्पेशल स्कल्प्टर्स जो हैं वो बंगाल से बुलाए गए हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस आर्किटेक्चर इसकी कंस्ट्रक्शन 2019 में स्टार्ट हो चुकी है और अभी ये ऑनगोइंग है नेक्स्ट इज आई जी एफ मीट आई जी एफ मीट रिसेंटली आपकी बेंगलुरु में स्टेट हुई है आई जी एफ बेसिकली आपका इंडियन ग्लोबल फोरम है इंडियन ग्लोबल फोरम का काम ये है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करना दिस इज अ प्लेस वेयर वर्ल्ड मीट्स इंडिया एंड इंडिया मीट्स वर्ल्ड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग बिजनेस स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाता है और इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव्स को बूस्ट करने में मदद करता है इसके जो प्रीवियस सेशन हैं वो आपके दुबई और यूके में हेल्प किए गए थे और ये जो हाई प्रोफाइल समिट है इसको बहुत सारे हाई प्रोफाइल जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अटेंड करने वाले हैं जैसे निर्मला सीतारमन आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी एज वेल एज सी ओ एंड ऑफ मेनी अदर इंडस्ट्रियल कंपनीज इन माई नेक्स्ट सेगमेंट आई बी कवरिंग द इनाग्रेशन ऑफ पुणेज मेट्रो प्रोजेक्ट इट इज अ थ्री लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट जिसको रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेट किया है ये ट्वेल्व किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है ये आप देख सकते हैं दिस इज पुणे मेट्रो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट ओवरऑल ग्यारह हजार करोड़ के अराउंड है और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन कंप्यूटराइज टिकट सिस्टम से इसको बूस्ट किया जाएगा आगे चलते हैं द फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम वीदा रखा गया है हीरो मोटर कॉप जो है उसको जुलाई 2022 में रिलीज करने वाला है ये आप देख सकते हैं पिक्चर दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय हीरो मोटर कॉप जिसका ब्रांड है वीदा वो लॉन्च होने वाला है इन जुलाई 2022 ये बेसिकली दिस इज टू बूस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट विच इज अपकमिंग इन द फ्यूचर क्योंकि हम जो अपने पेट्रोल के ऊपर रिलायंस है उसको कम करना चाहते हैं कार्बन की एमिशंस कम करना चाहते हैं तो ये एक शुरुआत है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का इलेक्ट्रिक व्हीकल से बात करते हैं साउथ एशिया में मुंबई जो है वो फर्स्ट सिटी है जिसने टारगेट रखा है कि बाय 2050 हम जीरो कार्बन इमिशन जो है वो एमिट करेंगे व्हाट डू आई मीन बाय कार्बन इमिशन कार्बन इमिशन बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना आपकी जैसे सीओ हो गया मिथेन हो गया एंड ऑल दीज काइंड ऑफ गैसेज ये कहीं ना कहीं हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ सब्सटीट्यूट कर दें या फिर ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारी इमिट होती हैं उनकी इमिशंस को रोक पाएं क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमिनाज को कम कर पाएं तो ऑब्वियसली वी कैन अचीव दिस टारगेट तो मुंबई एक लौती ऐसी साउथ एशियन सिटी है जिसने जीरो कार्बन इमिशंस का टारगेट बाई ट्वेंटी फिफ्टी सेट किया है और नेट जीरो का टारगेट इनका बाई ट्वेंटी सेवेंटी जो है वो अचीव हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात करें तो मुंबई ने यह कहा है कि बाई ट्वेंटी थर्टी दे विल गिव अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द रिडक्शन इन ट्वेंटी फोर्टी इलेक्ट्रिफाइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देडॉप्ट ट्वेंटी वन हंड्रेड इलेक्ट्रिक बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी दे विल बूस्ट द प्रोडक्शन इन योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक कन्वीनियंस विल बी प्रोमोटेड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो BMC का टारगेट ये है बी एम सी इज बेसिकलीसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई उनका टारगेट ये है कि हम अपनी कंट्री को क्लाइमेट बनाना चाहते हैं तो हम शुरुआत अपनी सिटी से ही करेंगे सो दे विल बी बूस्टिंग यू नो जीरो कार्बन एमिशन प्रोडक्ट्स इन देयर कंट्री रिस्पेक्टिवली मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल सेगमेंट इंटरनेशनल सेगमेंट में आ, इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है स्लिनिक्स एक्सरसाइज के बारे में स्लिनिक्स बेसिकली आपकी इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच की एक्सरसाइज है ये बेसिकली दोनों की इंटरऑपरेबिलिटी दो, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए दो फेजेस में कंडक्ट करवाई जा रही है द फर्स्ट फेज इज योर हार्बर फेज जो कि आपका विशाखापट्टनम में कंडक्ट होगा एंड द सेकेंड फेज इज योर सी फेज जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट होगा ये बेसिकली नाइन्थ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है सबसे पहली सीरीज इसकी 2005 में कंडक्ट हुई थी सो दिस इज टू बेसिकली बूस्ट योर कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नेवीज ऑफ द टू कंट्रीज ये हमारी मैरीटाइम को काफ़ी बूस्ट करेगा और हमें दुश्मन से लड़ने की क्षमताओं को प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करने वाला है आईएनएस एन कर्च जो कि एक गाइडेड मिसाइल है देन आईएनएस एन ज्योति जो कि एक सपोर्ट टैंकर है देन वी हैव चेतक हेलीकॉप्टर्स डॉर्नियर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये सब चीज़ें जो हैं इन इस एक्सरसाइज को बूस्ट करने में इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करेंगी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने रिकनसाइंस सैटेलाइट टेस्ट को लॉन्च किया था बट उनकी नियर बाय कंट्रीज का कहना यह है कि उन्होंने रिकनसाइंस सैटेलाइट को ना कंडक्ट करते हुए बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो नाइन्थ मिसाइल लॉन्च है इस साल का और सेकेंड सच लॉन्च इन अ वीक एक वीक में सेकेंड लॉन्च है अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या है जो आपका रिकनसाइंस सैटेलाइट सिस्टम होता है ना ये बेसिकली एक स्पाईवेयर है अपनी एनिमी कंट्रीज के ऊपर हम स्पाई करते हैं टू जस्ट चेक द पोटेंशियलिटी कि हमें कितना खतरा है एक ऑपोजिट कंट्री से तो कुछ प्री सिलेक्टेड एरियाज ऑफ अर्थ पे इन सबको मॉनिटर किया जाता है और जो आपकी बिलिस्टिक मिसाइल्स है दैट इज केपेबल ऑफ कैरिंग वेरी हैवी एक्सप्लोसिव जैसे कि आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव हो गए केमिकल एक्सप्लोसिव हो गए ऑपोजिट कंट्रीज का कहना है कि इन्होंने बिलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट किया है और ये सेकेंड सच टेस्ट है इन अ वीक तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया को रिसेंटली कंडेम भी किया गया है बाय द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट साउथ कोरिया एंड जापान इनका यह कहना है कि रिसेंटली जस्ट बिफोर द साउथ कोरियन इलेक्शन दिस टेस्ट शुडेंट हैव बीन कंडक्टेड सो दिस इज अबाउट योर नॉर्थ कोरिया आगे चलते हैं ईरान की बात करते हैं ईरान ने रिसेंटली अपना मिलिट्री सैटेलाइट सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है इस मिलिट्री साइट की कैपेबिलिटी 311 माइल्स की है अगर मैं फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट की बात करूं तो उसकी कैपेबिलिटी अराउंड 265 माइल्स की थी तो आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेली 45 फाइव टू फोर्टी सिक्स माइल्स के अराउंड जो है इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है एक मिलिट्री सैटेलाइट एक कंट्री इसीलिए रखती है ताकि वो नेविगेशन में मिलिट्री कम्युनिकेशन में और इन सब चीज़ों में अपनी पोटेंशलिटीज़ को बढ़ा पाए अगर मैं इस नो no टू की बात करूं तो ये एक थ्री स्टेज मैसेंजर कैरियर है जो कि आपकी शहरॉड स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है शरार्पे पोर्ट इज इन ईरान दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीजियस मिलिट्री मिलिट्री सैटेलाइट दैट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली बाई ईरान और ये डेफिनेटली ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के काबिल है और ईरान की बात करूं तो इसकी कैपिटल त्रिहान है इनके प्रेजिडेंट इब्राहिम रेजी है और इनकी करेंसी ईरानियन रियाल है द नेक्स्ट इज रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली न्यूज में पाई गई है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये mini category one का है. ये basically एक ऐसा पैन इंडिया नेटवर्क क्रिएट करती है आपकी ऑप्टिक फाइबर्स जो है उनको लेकर के पूरे कंट्री में जो कि आपके टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देती है तो पूरी कंट्री में इन्होंने ऑप्टिक फाइबर्स का जो इनका नेटवर्क है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट और इनका नाम आजकल न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपकी फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट 500 का जो ट्वेंटी सेकेंड एडिशन है ना उसमें इस कॉरपोरेशन का जो रैंक है दैट इज वन फोर्थ इसीलिए ये एक बहुचर्चित विषय बन चुका है इनके सीएमडी पुनीत चावला हैं और इनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू डेली में है सो दैट इज वाई दिस मिनी रत्न इज इन लाइमलाइट दी डेज नेक्स्ट डिफेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करूँ तो डिफेंस में राजनाथ सिंह ने 18 मेजर प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो कि आपके इंडस्ट्री लेड होंगे उनमें डिज़ाइन और डेवलपमेंट की बात की है ये इनिशिएटिव बेसिकली आपके डिफेंस को और भी स्ट्रॉगर बनाने का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही जीता जागता सबूत होगा इंडिया में ही आप अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को जो कि आपके कैटेगरी वन में चौदह प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके एस मॉडल के अंडर आते हैं उनको बनाने की कोशिश करोगे देन इन कैटेगरी टू यू हैव डिफेंस एक्सीलेंस आइडेक्स वन प्लेटफॉर्म जिनको आप प्रमोट करने की कोशिश करोगे तो इन सब सभी प्लेटफॉर्म्स में जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है दैट विल प्रॉस्पर इन डिफेंस डिफेंस में ऑल एंड ऑल परसेंट यूनियन बजट जो है उसे एलोकेट किया गया है ट्वेंटी फाइव परसेंट को आर एंड डी में लगाने की सुझाव दिया गया था जिसको इफेक्टिवली इन 18 मेजर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इन माई नेक्स्ट सेगमेंट कवर्स रीजनल न्यूज रीजनल न्यूज में सबसे पहली इंपॉर्टेंट आती है न्यूज आपके डेली से डेली इज योर कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया वहां के डेप्टी सी मनीष सिसोदिया ने रिसेंटली इंडिविजुअल हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं उनको किया है आपके ट्वेंटी गवर्नमेंट स्कूल्स में ये हेल्थ का काम क्या होगा कि चिल्ड्रन मतलब बच्चों की फिजिकल और मेंटल वेलबींग well का ख्याल रखा जाए सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आर कैपिटल सिटी बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड आई वुड लाइक टू टेल यू सम अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन दर है सन ऑफ एन एफ आर एन एफ आर ए स्टैंड फॉर नेशनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी चेयरपर्सन बनाया गया है अजय भूषण पांडे को जो आपकी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है दिस इज सेंट्रल एजेंसी जो कि आपके फाइनेंसिस को रिपोर्ट करती है नेक्स्ट इज साउथ कोरिया के न्यू प्रेजिडेंट जैसे अभी नॉर्थ कोरिया के बारे में हमने पढ़ा कि नॉर्थ कोरिया में जो रिकनसाइन सैटेलाइट टेस्ट है उसको कंडेम किया गया बट उनकी जो अपोजिशन कंट्रीज है उन्होंने कहा कि इन्होंने बेलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है तो नॉर्थ कोरिया को काफी कंडेम किया गया था क्योंकि इमीडिएटली जस्ट बिफोर साउथ कोरियन इलेक्शन दे हैव कंडक्टेड दिस टेस्ट जो कि सेकेंड था इस वीक का तो ये वहीं से न्यूज आई है आपकी साउथ कोरिया के न्यू प्रेजिडेंट बने हैं आपके यून सुक योल इनके प्रीवियस प्रेजिडेंट थे आपके मून जे इन अगली अपॉइंटमेंट चारधाम प्रोजेक्ट के जो चेयरमैन है उनको उन्हें ज ए के सिक्री चारधाम प्रोजेक्ट बेसिकली आपके हिमालयन रीजन में जो रोड का डेवलपमेंट है उनके ऊपर है और इसके चेयरमैन रिसेंटली ए के सिक्री को बनाया गया नेक्स्ट कम्स चेयरमैन ऑफ आई आर डी ए आई आई आर डी ए आई स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके चेयरमैन रिसेंटली देवाशीष पांडे को बनाया गया विल सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली थ्री ईयर्स शक्ति कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया गया ये इज द फीमेल लीडिंग फीमेल बॉक्सर ऑफ द कंट्री इन्हीं को क्यों चुना गया शक्ति कैंपेन बेसिकली ऐसा कैंपेन है जिसके अंदर वुमेन को अवेयर किया जाता है अबाउट द रिस्क ऑफ कॉररी हार्ट डिजीजेस आजकल लाइफ स्टाइल डिजीजेस काफी बढ़ रहे हैं और उसमें सबसे नंबर वन पे है आपके हार्ट डिजीजेस तो वुमेन में इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए उसका ब्रांड एम्बेसिडर शक्ति कैंपेन का ब्रांड एम्बेसिडर मैरीकॉम को बनाया गया एंड द न्यूली अपॉइंटेड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द न्यू अपॉइंटेड प्रेजिडेंट ऑफ एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जी सेवन ग्रुप ऑफ कंट्रीज शामिल है ये मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मार्केटिंग इन सब चीजों को कम्बैक करने के लिए बनाया गया है और इनका प्रेजिडेंट रिसेंटली टी राजा कुमार को चुना गया है ही इज इन द न्यूज बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है कि कोई सिंगापोरियन प्रेजिडेंट जो है आपके प्रेजिडेंट बने हैं एफ एफ के मूविंग ऑन नेक्स्ट मिशन इज योर इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष बेसिकली आपके रेनबो को कहा जाता है तो उसी से इंस्पायर होकर ओडिशा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव दिस इज बेसिकली इम्यूनाइजेशन इनिशिएटिव तो जो सेवन चाइल्डहुड डिजीजेस होते हैं इनिशियली उनके ऊपर उनकी फुल इम्यूनाइजेशन के ऊपर इस चीज को बनाया गया इस मिशन को टारगेट किया गया था और उन सेवन में आते हैं आपके डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस ट्यूबोक्लॉसिस पोलियो हेपेटाइटिस बी मीजल्स इन सभी के ऊपर फुल इम्यूनाइजेशन चाहते थे और ऐसा करने में उड़ीसा गवर्नमेंट जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव के अनुसार उड़ीसा अप्रॉक्सीमेटली 90.5 परसेंट इम्यूनाइजेशन जो है वो अचीव कर चुका है सो इज इट अ वेरी गुड न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम उड़ीसा अब इसके अंदर हम इन डिजीजेस के अलावा रेस्ट ट्यूबर पोलियो डिप्थीरिया जॉन्डिस टेटनस ब्रेन फीवर एच आई वी नीजल्स जैपनीज फीवर डायरिया रूबेला निमोनिया ऑल दिस काइंड ऑफ डिजीजेज आर बींग टारगेटेड और इसको अम्ब्रेला स्कीम बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है नेक्स्ट कम्स अ न्यूज़ फ्रॉम योर छत्तीसगढ़ स्टेट कौशल्य मैतृत्व योजना जो कि आपके भूकेश भूपेश बघेल हैं जो कि आपके सीएम एम है छत्तीसगढ़ स्टेट के उन्होंने रिसेंटली कौशल्य मैतृत्व योजना जो है वो डिवाइस की है इसके अंदर हम वुमेन बेनिफिशरीज को जो कि प्रेग्नेंट है एंड दे आर कैरिंग अ चाइल्ड अपनी सेहत के लिए फाइव थाउजेंड रुपीज़ का फाइनेंशियल बेनिफिट उनकी सेहत के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा प्लस उन्होंने काफ़ी बुक्स जो है इस मौके पर रिलीज की उस बुक का नाम है कन्या विवाह योजना दैट इज दिस इज अ काफी टेबल बुकलेट सीरीज और एक हेल्पलाइन डायरेक्टरी डायरेक्टरी भी है जो वो शेयर की एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू प्रमोट यू नो हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द प्रेग्नेट वुमेन एज वेल एज द चाइल्ड इन छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल इज़ रायपुर और इनके सीएम हैं भूपेश बघेल आगे चलते हैं ट्रिपल एस वाई योजना ट्रिपल एस वाई योजना स्टैंड फॉर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना ये बेसिकली ये योजना क्या है जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको कुछ पेंशन दी जाती है दिस स्कीम हैज बीन इन इंप्लीमेंटेशन सिंस नाइनटीन तो अभी रिसेंटली ये इसीलिए न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है 3274 करोड़ का जो ग्रांट है इस स्कीम के लिए दे दिया है इस स्कीम में कौन कौन इंक्लूड होते हैं जो आपके डिपेंडेंट्स हैं ना जो लोग शहीद हो गए हैं जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी फैमिलीज में जितने भी डिपेंडेंट हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट होगा प्लस जितने आपके फ्रीडम फाइटर्स जो इम्प्रिजनमेंट में थे सिक्स मंथ्स मिनिमम उससे या उससे ज्यादा जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको भी दिया जाएगा तो ये बेसिकली 3,270 करोड़ का जो इनिशिएटिव है टिल 2006 जो है गवर्नमेंट ने इसकी जो सैंक्शन है वो पास कर दी है सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द फ्रीडम फाइटर्स एंड द डिपेंडेंस इन द कंट्री अगली स्कीम पर चलते हैं दैट इज योर यूविका स्कीम यूविका स्कीम बेसिकली इसरो ने लॉन्च की है ये यंग माइंड्स को बिल्डअप करने के लिए लॉन्च की गई है इसरो इज योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया है बाय योर इसरो जिसका नाम है यूविका ये बेसिकली रूरल एरियाज में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को या फिर मैं कहूं स्टेम बेस्ड चीजों को रिसर्च करने में प्रमोट करने में डाला गया है स्टेम स्टैंड फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो इनका ये मोटिव है कि कैच दम यंग यंग माइंड्स को कैच करो उन्हें प्रमोट करो to read science technology engineering mathematics or is program ko boost karo next news comes from the youtubers of india aajkal social media ka daur hai to social media is a highest contributor in your gdp of the country gdp stands for gross domestic product इन्होंने सिर्फ और सिर्फ GDP में contribute नहीं किया है बल्कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी बढ़ावा दिया है तो ये आपका ये जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है

इंस्ट्रूमेंट है अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की सर्विसेज की जो बाइंग है उसको फैसिलिटेट करता है फिर चाहे वो रेमिटेंसेज हों फिर चाहे वो ट्रांसफर्स हों इन सभी मैकेजम्स को जो है ये मॉनिटर करता है अब ये जो फ्री फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये दो टाइप्स का है वन इज योर स्मॉल पीपीआईज एंड अदर इज योर फुल के वाई सी पे लेव को एक पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसे आरबीआई ने अप्रूव किया है कि दिस इज अ सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रीपेड पेमेंट सर्विसेज। लिव क्विक ये कंपनी है जो 2012 में स्टैब्लिश हुई थी इसके को फाउंडर और सीईओ मोहित ललवानी हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर कवरिंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट आते हैं आपके ईपीएफओ पे ईपीएफओ स्टैंड बेसिकली इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है रिसेंटली इसने जो अपना आपका इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको इम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड के ऊपर मिलता है उसको फोर टाइम लो चार डिकेड्स में सबसे कम नंबर पे आ जाना इसीलिए ये न्यूज़ में है तो इसका रिसेंट जो आपका इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ एट पॉइंट अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करो तो ट्वेंटी और ट्वेंटी में ये एट था 2019-20 सेम रेट एटीन नाइनटीन की बात करो 8.65, 2017-18 की बात करो तो एट अब ये चार डिकेट्स में सबसे लो इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर 1977-78 के अराउंड 8 परसेंट के करीब गिरा था अब ये जो है 8.1 परसेंट आ चुका है इसीलिए ये लाइमलाइट लाइफ में है। तो इजेंट इट कि जिनको पेंशन मिलती है जिनको प्रोविडेंट फंड मिलता है उनके लिए ये इंटरेस्ट रेट काफी लो पे जा चुका है और ऐसा कहा जाता है कि कोविड नाइनटीन पेंडेमिक के कारण क्योंकि अर्निंग ज्यादा नहीं हो पा रही है इसीलिए इस इंटरेस्ट रेट में गिराव देखने को मिला है दिस हैजिन इन रूज न्यूज रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस रीजन नेक्स्ट आर बी आई ने रिसेंटली वन टू थ्री पे ऐप जो है फीचर फोन के लिए लॉन्च किया है इस एप के थ्रू आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो थ्रू योर फीचर फोन जी हाँ आपको एंड्रॉयड फोन फोन और एप्पल जैसे फोन की जरूरत नहीं है आप किसी भी फीचर फोन के थ्रू ये आप देख सकते हैं दिस इज अ फीचर फोन इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन ये बेसिकली डिजिटल इंडिया को बूस्ट देने के लिए किया गया है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस ऐप को ऑपरेट करने में या कोई भी डिजिटल पेमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए तो आर ने सिर्फ यही नहीं एक ट्वेंटी फोर सेवन हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजी साथी आप इसके थ्रू आप अपनी कोई भी क्वेरीज जो है उसको एड्रेस कर सकते हो एंड यू कैन इमीडिएटली टेक अ इफेक्ट ऑन इट नेक्स्ट न्यूज कवर्स कम्स फ्रॉम एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक ने बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इन्होंने हाउस वर्क इज हाउस वर्क इनिशिएटिव जो है वो रोल आउट किया है इसका मतलब यह है कि जो आपकी पढ़ी लिखी हाउस वाइफ है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए सो दैट दे कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कंट्री इसमें इन्होंने इंकरेज किया है वुमेन को ऑफ ऑल एजेस एंड सेक्शुअलिटीज टू अपलाई फॉर जॉब्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन अगर एक्सिस बैंक की बात करूं तो ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था इनकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी और इनके एम एट प्रेजेंट है अमिताभ चौधरी ये इनिशिएटिव लिया गया ऑन योर वुमेन्स डे जस्ट टू एम्पावर वुमेन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आर बी आई इज बी अवेयर बुकलेट आर बी आई ने रिसेंटली बी अवेयर बुकलेट जो है वो लॉन्च की है बी अवेयर बुकलेट का बेसिक मतलब आपको ये कहना है कि सावधान रहिए सतर्क रहिए जस्ट अगेंस्ट ऑल द फ्रॉडिलेंट ट्रांजेक्शन दैट हैपन इन द इकोनॉमी, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है या तो सिम स्वैप्स या फिर आप फेक लोन वेबसाइट्स, डिजिटल एप्स या विशिंग और फिशिंग लिंक्स इन सभी से आप सतर्क रहिए और जानकार रहिए इस बुकलेट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशियेटिव अगेंस्ट द फ्रॉडिलेंट प्रैक्टिस दैट आर बींग प्रिड इन आर कंट्री नेक्स्ट कम्स द स्पोर्ट्स सेक्शन स्पोर्ट्स सेक्शन में इस, इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज है कि जो आपके पैरा ओलम्पिक्स विंटर सेशन है उसमें रशियन और बेलोरेशियन एथलीट्स को जो है वो बैन कर दिया गया है पैरा ओलम्पिक्स जो है आपका विंटर सेशन ऑफ ओलंपिक्स है जो कि आपका बीजिंग में 2022 में कंडक्ट होने वाला था इसकी डेट्स बेसिकली 4 से 13 मार्च के बीच में थी तो इसमें जो आपकी इंटरनेशनल पैरा ओलम्पिक कमिटी है उसने रशियन और बेलोरेशियन एथलीट्स को जो है वो बैन कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑन यूक्रेन रशिया वॉर यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में और, और सब स्टैंड नहीं करूंगी इसके लिए आप हमारी बाकी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां पे आप इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं विद विदा नेक्स्ट सेगमेंट दैट कवर्स अनदर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज फ्रॉम दिस वीक जो आपकी प्रियंका नोटक्की है दैट इज यू कैन सी इन द पिक्चर ये आपकी ट्वेंटी थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन चुकी हैं ग्रैंड मास्टर बेसिकली आपकी चेस गेम में एक टाइटल है ये सिर्फ 19 साल की हैं आंध्र प्रदेश से आती हैं और शी हैज मेड द कंट्री प्राउड तो इसीलिए शी हैज हैजीन इन न्यूज रिसेंटली नेक्स्ट चलते हैं आपकी गवर्नेंस रिपोर्ट की तरफ तो सबसे पहले गवर्नेंस रिपोर्ट आती है आपकी स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट स्कॉच बेसिकली एक डेली बेस्ड थिंक टैंक है जो गवर्नेंस के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स को रैंक करता है इसमें सेकंड टाइम फॉर द कंजर्वेटिव ईयर आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है एंड वेस्ट बंगाल हैज बीन द सेकंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस इस गवर्नेंस को बेसिकली बेसिकली ये जो स्टेट्स की परफॉर्मेंस है डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस है और म्यूनिसपल लेवल पे जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है इस साल का एजेंडा जो इस रिपोर्ट का था वो इन आर्ट सब्जेक्ट्स पे था दैट आर एग्रीकल्चर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फाइनेंस एंड रेवेन्यू पावर एंड एनर्जी सोशल जस्टिस सिक्योरिटी अर्बन डेवलपमेंट और वाटर तो इन सभी इंडस्ट्रिस पे एक स्टेट कैसा परफॉर्म कर रही है उस बेसिस पे इस इंडेक्स को निकाला जाता है सबसे बड़ी इकोनॉमिक न्यूज इस वीक की हैज बीन रेटिंग्स बाय योर क्राइसिल लिमिटेड क्राइसिल लिमिटेड का यह कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8 परसेंट तक जा सकती है अब ये जो 7.8 परसेंट तक जो ये रेट जा सकता है दिस इज बिकॉज ऑफ योर ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वॉर इस वॉर के अनुसार अभी प्रेजेंटली आपका बेंट क्रूड प्राइस अगर लो की बात करूं तो 105 जीरो यूएस डॉलर पर बैरल और अगर हाई तक जाऊं तो 139 थर्टी नाइन डॉलर पर बैरल की बात कर रहे हैं अगर यही रेट जो है वो सस्टेन करता है इस साल 85 से लेके 90 डॉलर पर बैरल के बीच में तो आने वाले 2023 ट्वेंटी ईयर में ये स्पेकुलेटेड है कि आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो फोर परसेंट तक जा सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट 2.2 तक एस्टिमेट किया गया है बायो क्राइसिल लिमिटेड और करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी डी जो है वो 40 फोर्टी पॉइंट्स पे बनाई गई है अगर मैं क्राइसिल लिमिटेड कंपनी की बात करूं, तो ये 1987 में स्टैब्लिश हुई थी मुंबई में इसका हेड क्वार्टर्स है एंड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एट प्रेजेंट इज गुरप्रीत चटवाल तो दिस इज अ सेगमेंट अबाउट योर जी ऑफ द कंट्री आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज दिस दिस वीक द फर्स्ट बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी बाई और बी सी सी आई एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की है दैट इज़ ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रम्प दैट इज़ माई ईयर्स इन बी सी सी आई दिस इज़ बाय रत्नाकर शेट्टी ही इज़ द मैन रत्नाकर शेट्टी सेकेंड बुक आती है आपकी उषा उतभ की बायोग्राफी ऊषा उतभ बेसिकली आपकी इंडियन पॉप सिंगर है इनकी बायोग्राफी जो है वो विकास कुमार झा ने लिखी है This is Usha Uthar. She has given many popular songs and has been a playback singer for many Indian actresses. नेक्स्ट बुक जो है वो सोलि सौरभ जी की लाइफ और टाइम्स के बारे में है इसको लिखने वाले हैं आप अभिनव चंद्रचूड़ तो पहली बात ये है कि सोलि सौरभ जी कौन है ये आपके एक्स फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बायोग्राफी है अटॉर्नी जनरल इज द एपेक्स पोस्ट दैट यू हैव इन योर लॉ नेक्स्ट सेगमेंट कवर्स रफीक तरार तो ओबिचरी विच हैज़ बीन ऑब्जर्व दिस वीक इज ऑफ रफीक तरार रफीक तरार बेसिकली आपकी पाकिस्तान के फॉर्मर पॉलिटिशियन रह चुके हैं ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं पाकिस्तान के एंड ही हैज़ सर्वड एज प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी सेन ये प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है एंड हैज़ बीन रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ऑफ ऑल हिज डूइंग्स एंड ऑल हिज सर्विंग्स इन हिज करियर तो अ प्रोमिनेंट फिगर दैट हैज़ टू बी ऑब्जर्व इन द सेम इनको नॉमिनेट आपके प्रेजिडेंट नवाज शरीफ ने किया था एक टाइम पे तो इनको बहुत लाइमलाइट मिला था अपने करियर में दैट इज वाई इज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द न्यूज दैट्स ऑल विद माई टूडेज सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर्स आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ आर वीडियो सो प्लीज डोंट फोर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर पनीशिया ट्यूटर थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आस